नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो रायपुर में मयूर स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा स्कूल में पढ़ने वाली दो छात्राओं को भुगतना पड़ा है। दरअसल सीबीएसई की तरफ से जूडो का स्टेट मैच खेला जाना था, लेकिन स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते दो छात्राएं मैच से महरूम रही। वहीं छात्राओं के परिजनों ने जब इस बारे में स्कूल प्रबंधन से बात की तो उन्होंने अपनी गलती तो मानी, लेकिन उल्टा ही मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाने लगे। बता दें, सीबीएसई के नए नियम के मुताबिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जिसमें मयूर स्कूल प्रबंधन ने 700 बच्चों में से 698 बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करा दिया, लेकिन दो बच्चों का नहीं करा है। वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि निजी स्कूलों में हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताओं में अपने आप को उत्तम और उत्कृष्ट साबित कर सकें, लेकिन स्कूल की लापरवाही के चलते बच्चों का मनोबल टूटता है। वहीं ऐसे में प्रशासन को निजी स्कूलों की मनमानी पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। तो रायपुर में मयूर स्कूल की बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। आपको बता दें, दो बच्चों का यहां पर स्कूल प्रशासन ने आवेदन ही नहीं भरा, जिसके चलते ये दोनों ही छात्राओं को जूडो के स्टेट मैच खेलने जाना था, लेकिन ये नहीं जा पाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड आरके गांधी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। आरके गांधी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लापरवाही यहां पर स्कूल प्रशासन की सामने आई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? और उनका पूरा फोकस है जो उस प्रक्रिया के ऑनलाइन आवेदन, और इसलिए ऑनलाइन आवेदन के लिए स्कूल की तरफ से पहल की जाती है, क्योंकि सीबीएसई ने जो तमाम प्रक्रिया और नियम कानून अपनाया है उसके तहत में यहाँ पे स्कूल के तरफ से तमाम बच्चों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं जी। लेकिन देखने में ये मिला कि 698 बच्चों के तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गए, लेकिन दो बच्चियों के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। और तर्क ये दिया गया कि साइट हैंग होने की वजह से काफी उसपे जब ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा था तो नेटवर्क जाम होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और जब आज स्कूल प्रबंधन से जब मुलाकात हो रही थी तो कुल मिलाकर यह था कि इससे, क्योंकि मयूर स्कूल अपने आप में प्रतिष्ठित एक स्कूल, तो रायपुर में मयूर स्कूल की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। हमारे स्टेट हेड आरके गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनसे हमारा संपर्क यहां टूट गया है। तो आपको बता दें कि मयूर स्कूल की यहां पर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बच्चों के भविष्य से यहां पर खिलवाड़ हो रहा है। तो दो बच्चों का यहां पर आवेदन ही स्कूल प्रशासन की तरफ से नहीं भरा गया, जिसके चलते ये दोनों छात्राएं जूडो के स्टेट मैच नहीं खेल पाई। तो वहीं अभिभावकों की अगर बात की जाए तो अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने स्कूल प्रशासन से बात की, स्कूल प्रशासन ने अपनी गलती तो मानी, लेकिन स्कूल प्रशासन दूसरी तरफ अपनी गलती मान रहा है, लेकिन उसके अलावा उनका कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिया गया था। 700 बच्चों में से 698 बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहां पर करा दिया गया था, लेकिन दो बच्चों का यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। तो वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि निजी स्कूलों से हमने अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताओं में अपने आप को साबित कर सकें, लेकिन उसके बावजूद स्कूल की इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जसप्रीत स्कूल प्रबंधन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जसप्रीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहां पर स्कूल की लापरवाही सामने आई है, जो छात्राएं हैं उनसे उनका आवेदन ही यहां पर स्कूल प्रशासन की तरफ से नहीं भरा गया, क्या कुछ कहेंगे? तो जसप्रीत से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है,
दोबारा जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे। तो मयूर स्कूल की यहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जूडो के स्टेट मैच के लिए यहां दो छात्राओं का आवेदन स्कूल प्रशासन की तरफ से भरा ही नहीं गया, जिसके चलते वो दोनों ही छात्राएं जूडो के स्टेट मैच नहीं खेल पाई। तो स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते ये दोनों ही छात्राएं मैच से महरूम रही। वहीं छात्राओं के परिजनों ने जब इस बारे में स्कूल प्रबंधन से बात की तो उन्होंने अपनी गलती तो मानी, लेकिन उल्टा मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाने लगे। तो मयूर स्कूल की लापरवाही का यह पूरा मामला यहां पर सामने आया है। वहीं छात्राओं के परिजनों का कहना है कि हम अपने बच्चों को निजी स्कूलों में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए जसप्रीत स्कूल मैनेजमेंट से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जसप्रीत जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बड़ी लापरवाही का ये पूरा मामला यहां पर सामने आया है, दो बच्चों के भविष्य के साथ यहां पर खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बच्चों के साथ हमने कोई खिलवाड़ नहीं किया है। हमारा स्कूल हमेशा से बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। हमने हर जगह जाके बच्चों को आगे प्रोत्साहित किया है। ये ऑनलाइन रजिस्टर करते समय ऑनलाइन करते हुए कुछ दिक्कत आई है, जिसका हमने 7 दिन पहले भी सीबीएसई को मेल करके, हमारे पास उसकी कॉपी है कि हमने सीबीएसई को इस बारे में जानकारी दी कि हमारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिसका हमें सीबीएसई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमारे पास 7 तारीख पहले का भी मेल का प्रूफ है। हमने अपनी पूरी कोशिश की और अब भी हम पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि बच्चे की साल भर की मेहनत है और बच्चा काम पर पहुंच पाता है। यहाँ पर जानना चाहेंगे, अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन उन पर लगातार मामले को रफा दफा करने का आरोप लगा दबाव बना रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल पेरेंट्स के ऊपर मामला रफा दफा करने का दबाव नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ पेरेंट्स को ये कह रहे हैं कि अभी 10 तारीख तक का समय है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा टूर्नामेंट खेल पाए। जरूरत पड़ी तो हमारी टीम दिल्ली तक जाके सीबीएसई जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देखते हैं वहां तक जाके बात करेगी और अपनी पूरी कोशिश करेगी कि बच्ची का सीबीएसई का खेल के प्रति जो साल है वो खराब नहीं हो। हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेके अपने ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को परेशानी ना हो, ना अभिभावक को परेशानी। जी जसप्रीत जी, ये तो आगे की बात है, लेकिन अभी जो ये जूडो का स्टेट मैच खेला जाना था जिसमें ये दोनों छात्राएं जो है भाग नहीं ले पाई सर। नहीं, ले पाएंगी सर, हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने ऊपर सीबीएसई तक मेल्स वगैरह कर दिए हैं। 10 तारीख तक का हमारे पास समय है, 10 तारीख तक ये टूर्नामेंट चलने वाले हैं। अभी भी जो हमारे स्पोर्ट्स के एचओडी हैं वो दफ्तर में ही बैठे हैं जहां ये खेल हो रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का साल खराब नहीं हो। हमारे तरफ से जो हमने सीबीएसई को मेल्स किए हैं, हमने उनकी कॉपी भी सीबीएसई को सबमिट कर दी है कि हमारी तरफ से कोई त्रुटि नहीं हुई है। जसप्रीत जी, इसी चर्चा पर हमारे साथ हमारे स्टेट हेड आर के गांधी जी भी बने हुए हैं। गांधी जी, जिस तरीके से स्कूल प्रशासन दावे कर रहा है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा तो जसप्रीत जी से ये सवाल है कि ऐसा नौबत आखिर आया क्यों? क्योंकि बच्चे की पढ़ाई और बच्चा जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हेलो जी जसप्रीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे स्टेट हेड का आपसे सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का कारण यहाँ पर क्या कुछ है, क्यों आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही ये सामने आई है? सर, स्कूल की तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गई। ऑनलाइन देखिए, आप भी समझ रहे हैं, ऑनलाइन मैटर है, कई बार कुछ इस प्रकार की तकनीकी गड़बड़ हो जाती है और वही इस केस में भी हुई है। हमने आगे भी हर साल हमारे बच्चे स्टेट खेलते हैं, अभी भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे आगे खेल रहे हैं। हर बार स्कूल रजिस्ट्रेशन कराता है अपनी जिम्मेदारी से और बच्चे अच्छा प्रदर्शन करके भी आते हैं, स्कूल पूरा सहयोग करते हैं। बट इस केस में थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसी परिस्थिति का हमको सामना करना पड़ रहा है, जिसका हमें भी बहुत दुख है। जितना अभिभावक को दुख है उतना ही हमको भी दुख है। अभिभावक से ज्यादा हमको दुख है, क्योंकि वो बच्चा हमारे स्कूल का है और हमारी जिम्मेदारी है। स्कूल इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से समझ रहा है और स्कूल से जितना बन पड़ेगा आखिरी भरसक प्रयास हम अपनी तरफ से कर रहे हैं कि बच्चे का साल खराब नहीं हो। जी, एक बार फिर से हमारे स्टेट हेड आर के गांधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गांधी जी, यहाँ पर स्कूल प्रशासन का कहना है कि ये पूरा मामला ऑनलाइन जो आवेदन भरे जाते हैं उसकी वजह से ये सारी गलती हुई है, स्कूल प्रशासन की यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं।
देखिए ऑनलाइन अगर गड़बड़ी होती है तो ऑनलाइन का तो एक दिन समय होता नहीं है, उसमें दो से तीन दिन का समय रहता है। और हमारी जब सीबीएसई के अधिकारियों से बातचीत हो रही थी तो उनका ये कहना था कि समय तो चल चुका है, थोड़ा है लेकिन वहां पर छुट्टी है अगर और भी जो बच्चों के साथ ऐसा एक वाक्य निकल के सामने आया था ऐसा परिजनों का कहना है। तो कुल मिलाकर की चीजें ऐसी है कि हर साल लेकर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लेकर जिस तरह से स्कूल की तरफ से जो कदम उठाया जाना चाहिए था वो कदम यहाँ पे नहीं उठाई पाए। जी जसप्रीत जी क्या कुछ कहेंगे? तो जसप्रीत जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। तो गांधी जी आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन यहाँ पर स्कूल प्रशासन जो है स्कूल प्रबंधन जो है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि स्कूल की तरफ से कोई लापरवाही यहाँ पर नहीं हुई है, 10 दिन का उनके पास समय है और वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ये दोनों छात्राएं जो है वो दोबारा से इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें। देखिए स्कूल प्रबंधन और किस तरह से वो लेडी बात करती नजर आई, जब वो अपना पक्ष रख सकती थी तो वो बात कर सकती थी, अपने तमाम तथ्यों को रख सकती थी। आपने फिर से ऑनलाइन आवेदन किया और इसमें बताया ये जा रहा है कि कुछ बहुत हासिल नहीं हो सकता है। और कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पे जो परिजनों का आरोप है और परिजनों का सीधे तौर पर ये कहना है कि आपने दो बच्चों को क्यों छोड़ दिया, 698 बच्चों को तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया, तो लापरवाही का यहाँ पे मामला है। और इसमें स्कूल प्रबंधन को तमाम तथ्यों से वाक्यों से यहाँ पे उनको जानकारी दी जानी चाहिए थी कि आखिर इन बच्चों का कैसे छूटा, परिजनों को अपने विश्वास में लेना जाना चाहिए था, परिजनों से बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन परिजनों के यहाँ पे उनके फोन कॉल्स काटे जाते रहे, उनको प्रॉपर जवाब नहीं दिया गया। और ऐसे में परिजनों ने आज जब जाके हंगामा किया, उनके साथ में कई लोग जब पहुंचे तब जाके मैनेजमेंट दबाव पे आया। और देखिए अभी सोशल नेटवर्क पे भी ये मामला काफी चल रहा है और सोशल नेटवर्क पे भी इसमें काफी कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि ये काफी हाई प्रोफाइल मामला है। और देखिए करीब 1.5 लाख के आसपास इस स्कूल का फीस है, ये शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है। और ऐसे में स्कूल के अगर तरफ से इस तरह से एक जाने माने स्कूल की तरफ से अगर इस तरह से कदम उठाया जाए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अगर इस तरह से ही लवाला हो जाए तो बाकी स्कूल से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखिए उस बच्ची का साल तो बर्बाद हो गया और ऐसे में अब स्कूल प्रबंधन ये कह रहा है कि हमने फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। जी गांधी जी जिस तरीके से आपने बात की है परिजनों की, साथ ही साथ आपने फीस की यहाँ पर बात की है कि कई गुना फीस यहाँ पर परिजन देते हैं, वहीं परिजनों का भी यही कहना है कि हम अपने बच्चों का निजी स्कूलों में एडमिशन ही इस बेसिस पे कराते हैं कि उनका फ्यूचर आगे बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, साथ ही साथ वो पढ़ाई के साथ साथ और भी जो एक्टिविटीज होती है स्कूल की उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही। देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के नाम पे ही काफी पैसा, इनको तो एक कोटे में भी पैसा आता है, इसके अलावा ये परिजनों से भी पैसा लेते हैं। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की अगर बात कर ली जाए स्कूल में जो तमाम दावे किए जाते हैं वो जमीनी स्तर पर वो होते नहीं है, खोखले साबित होते हैं। और ऐसे में ठगा महसूस करता है परिजन क्योंकि एक बार एडमिशन हो गया तो कई सारे चार्जेस के नाम पे पैसे यहाँ पे लिए जाते रहते हैं, पैसों की मांग की जाती रहती है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के नाम पर कुछ होता नहीं है। ठीक है इनको सीबीएसई से भी कुछ फंड मिल गया स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के नाम पे, सरकार भी काफी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ढाक के तीन पात वाली स्थिति यहाँ पर निकल के सामने आती है। जी इस तमाम जानकारी के लिए गांधी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें मयूर स्कूल की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है, बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, दो बच्चों का यहाँ पर आवेदन न भरने की वजह से वो जूडो के स्टेट मैच में भाग नहीं ले पाए, दोनों ही छात्राओं का भविष्य यहां पर अधर में लटका हुआ अभी नजर आ रहा है। बीएस सिंगर यहां पर अभिभावक जो है वो इन छात्राओं के वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से स्कूल की लापरवाही यहां पर सामने आई है? जी आप सुन पा रहे हैं? तो अभिभावक जी से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। तो आपको बता दें कि मयूर स्कूल की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है, जूडो का स्टेट लेवल का यहां पर मैच खेला जाना था जिसके आवेदन स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते नहीं भरे गए और ये दोनों छात्राएं इससे वंचित रह गईं।